हाय गाइस, मैं शॉन, तो आप देख रहे टेक्निकल शॉन। और स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एनेबल कर सकते हैं हमें 12.5 का फुल स्क्रीन कंट्रोल सेंटर को कोई भी शॉमी डिवाइस में। तो अगर आप चैनल पर नए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडियो को। MIUI 12 में आपको काफ़ी ज़्यादा थीम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट अगर आप ये थीम देखिए तो इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एक लुक देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप उसका गूगल का फोल्डर में देखिए तो इसमें आपको iOS इंस्पायर्ड आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। और अगर आप चाहिए इसका होम स्क्रीन में तो उसमें आपको सेम टू सेम iOS इंस्पायर्ड विजेट देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको डेट एंड टाइम और बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। और होम स्क्रीन में भी सेम टू सेम आइकन पैक और इनफैक्ट आपको टूल का फोल्डर में भी iOS इंस्पायर्ड आइकन पैक देखने को मिल जाएगा, जो कि आप थीम को ट्राई कर सकते हो। और अगर आप चाहिए इसका कंट्रोल सेंटर में तो कंट्रोल सेंटर में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका फ़ोन कुछ ज़्यादा ही बड़ा और हाथ मतलब आपका नहीं रीच करता टॉप तक, तो ये कंट्रोल सेंटर जो आपको यूज़ करने में काफ़ी हेल्प होगा। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको जो मतलब नीचे या बॉटम पार्ट का जो मतलब स्पेस रहता है, जो कि आपका काइंड ऑफ ब्लर रहता है दूसरा कंट्रोल सेंटर या दूसरा थीम्स में, इसमें आपको वो यूटिलाइज कर लिया गया और इसमें आपको मतलब काइंड ऑफ हैंडी होगा यूज़ करने के लिए। और अगर आप देखिए तो इसका जो सेपरेशन है सेटिंग्स का, वो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है। और अगर आप थीम में देखिए तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज किया हुआ है, और ये काइंड ऑफ पेड थीम है, जो कि आपको फ्री में बस इसका लाइट मोड देखने को मिलता है, डार्क मोड इसका देखने को नहीं मिलता है, जो कि डार्क मोड के लिए आपको पे करना होगा। और ये आपका थर्ड पार्टी थीम बन जाएगा फिर तो, ये अभी आपका ऑफिशियली थीम स्टोर में अवेलेबल है। और अगर आप जैसे सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग में तो सभी जो सेपरेशन है ये आपको काफ़ी क्लीन और मिनिमल देखने को मिल जाता है, बट मिनिमल नहीं बोलेंगे, क्लीन है। और अगर आप जाइए तो ये आपका नेक्स्ट लेवल एक कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है इस थीम में। आपको डायलर में कुछ ज़्यादा ही अजीब सा देखने को मिल जाता है, काइंड ऑफ क्रॉस एंड जीरो वाला फील मेरे को मतलब देख के लग रहा है कि वैसे कुछ खेलने वाले हैं। और अगर आप जाइएगा इसका मैसेजेस आप में तो उसमें भी आपको जो सेपरेशन वो आपको देखने को मिल जाता है, सेम टू सेम वॉलपेपर जो है एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया गया है। और अगर आप जाइएगा बाकी इसका होम स्क्रीन पूरा देखे तो वॉलपेपर भी इंटरेस्टिंग है, उतना भी नहीं है, बट इसमें आपको जो चेंजेस है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर आप जाइए इसका लॉक स्क्रीन तो लॉक स्क्रीन ऑब्वियसली iOS इंस्पायर्ड होने वाला, तो iOS इंस्पायर्ड आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जितना भी फॉन्ट है विजेट है वो आपको सेम देखने को मिलेगा। और अगर आप जाइए इसका टॉगल्स में तो टॉर्च और आपका कैल मतलब कि कैमरा का टॉगल सेम आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप जाइएगा सिंपली इसको डाउनलोड करना है तो सर्च कर सकते हैं थीम ऐप में iOS कलर स्टाइल, जैसे आप सर्च कीजिएगा थीम ऐप में iOS कलर स्टाइल तो आपको ये थीम मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डायरेक्टली वन टैप से डाउनलोड कर सकते हैं ये थीम को, जो कि है iOS कलर स्टाइल। इसके लिए आपको रीजन को रखना होगा इंडिया में, तो ही जाके आपको ये थीम मिलने वाला है। तो जाइए रीजन को सेट कीजिए इंडिया में अगर आपका नहीं है तो, और जाके डाउनलोड कीजिए तो आपको ये थीम मिल जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं कैसा लगा आपको ये थीम। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नया तो ऑब्वियसली ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टैप कर सकते हैं, बेल आइकन को टैप करने के बाद इस वीडियो को लाइक करके लाइकिंग 150 आप कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं आपको नेक्स्ट कल कुछ ऐसे नेक्स्ट मतलब वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।